अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और थैंक यू सो मच। मैं डेली आप लोगों के कमेंट्स देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह मेरा पसंद किया जा रहा है खाना। इसी तरह आगे भी शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी ये चीज़ पहुँचे। और आज के थंबनेल में जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज हम बना रहे हैं क्लब सैंडविच। और क्लब सैंडविच जो है एक बड़ा हेल्दी सा एक मील होता है, मतलब एक वो ही आप खा लें तो समझे बस पूरा हो गया। तो स्टार्ट करते हैं हम उसके। अच्छा, आपने ना ये वाली रेसिपी पूरी देखनी है क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ें सिखाऊंगी, क्योंकि मैंने बीच में कोल्सलॉ भी बनाना है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और मैंने मायो और चिकन के साथ जो पेस्ट बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ पूरी ज़रूर वॉच करिएगा। तो अब चलें साथ ही इन्ग्रीडियंट्स बताते हैं आपको। ये है बॉयल चिकन, मैंने नमक और काली मिर्चों के साथ बॉयल कर ली है, 200 ग्राम है ये चिकन। ये है मायो, हाफ कप है ये। ये क्रीम है, ये भी आप देख लें हाफ कप है। ये है पूरा एक कप मायो। और ये दो हैं आलू, फ्रेंच फ्राइज हमने काट लिए हैं इस तरह से। टमाटर एक स्लाइस कर लें। खीरा आधा हमने लिया है। बंद गोभी आधी हमने कद्दूकस करी है। टोमेटो केचप जैसी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उस तरह से यूज़ करेंगे। क्रश पेपर वो मैं अभी आपको जब पेस्ट बनाऊंगी तो दिखाऊंगी, मैंने हाफ टी स्पून वैसे डालना है। ये है आइसिंग शुगर, ये है सॉल्ट, और ये है ब्लैक पेपर। साथ ही रखा हुआ है मिल्क। ये है चीज़ के तीन स्लाइसेस क्योंकि मैं तीन सैंडविचेस बना रही हूँ। और ये है ब्रेड जो मैंने इसके कॉर्नर्स काट के अच्छे से रख लिए हैं। तो चलें जी अब स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम चिकन से, हमने किस तरह से बनानी है तो स्टार्ट करें। अब मैं बाउल में डाल रही हूँ चिकन को, जो मैंने देखें छोटे छोटे क्यूब्स की तरह काटे थे, क्योंकि सैंडविच में मुझे छोटे क्यूब्स ज़रा अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो रेशा भी कर सकते हैं, मगर इस तरह से ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने डालना है ये मायो जो हमारा एक कप है, पूरा हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने मायो इसमें ऐड कर दिया। अब साथ ही अब हमने इसमें डालने हैं थोड़े से मसाले। ये क्रश चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च है हमारी एक टीस्पून, सॉल्ट बहुत ही हल्का सा हाफ टी स्पून समझ लें बस, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करिएगा क्योंकि मैंने बॉईल करते हुए नमक यूज़ करा है। ये है काली मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून, और अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो केचप 2 टेबलस्पून। ये है टोमेटो केचप 1 एंड 2। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखेंगे मैं चिकन को सब मसाले और केचप वगैरह जो मैंने डाला है उसके साथ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैंने असेंबलिंग स्टार्ट करनी है, और उसके बाद मैं आपको ज़रा कोल्सलो बनाना भी साथ साथ बताऊँगी। ये देखिए ये अच्छे से मेरा पेस्ट फर्स्ट लेयर का रेडी हो गया है। सेकंड लेयर भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से करनी है। आपको पता है ये 3 लेयर्स का बनता है, तो फर्स्ट लेयर की फिलिंग मैंने आपको बता दी। अच्छा, साथ ही मैं सोच रही हूँ पहले कोल्सलो बना दूँ ताकि हम इसको फ्रिज में ठंडा करने रख दें, क्योंकि ये ठंडी ही अच्छी लगती है सर्व करने में। तो सबसे पहले ये हमने एक बाउल लिया हुआ है बंद गोभी का, जो मैंने आपको बताया है ये हाफ कैबेज है जो हमने कद्दूकस कर लिया। अच्छा, ये है मायो, ये हाफ बाउल है जो हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह से। ये हमने इसमें मायो डाल दिया, और साथ ही मैं इसमें ये कैस्टर शुगर जो है वो डालूंगी तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब। अच्छा, अब मैंने देखे इसमें मायो जो डाला था उसके बाद ये जो कैस्टर शुगर है मैं ये डाल रही हूँ 1 एंड 1/2 टीस्पून के करीब। पहले मैं इसको मिक्स कर लूँ, फिर इसमें मैं थोड़ा सा मिल्क और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। अच्छा, ये देखें ये मैंने मायो मिक्स कर ली। अब साथ ही मेरी रखी हुई ये क्रीम, ये देखें ये इतना है तकरीबन हाफ से भी कम कप है। तो अब मैं इसमें डालती हूँ ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, क्रीम मैंने मिक्स कर लिया, और अब इसमें मैं डालूँगी 1 एंड 2 टेबलस्पून मिल्क के, और अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये तैयार है ये। अब इसमें मैं 1 पिंच सॉल्ट ऐड करके मिक्स करके इसको अब फ्रिज में रख दूंगी। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया इस तरह, बस अब ये रेडी है। अच्छा, फर्स्ट लेयर में मैंने बहुत ही हल्का सा मायो लगाना है,
बिल्कुल लाइट सा, कि बस ये हल्का हल्का स्प्रेड हो जाए ये इस तरह से। अच्छा ये जो मैंने ली है, ये मैंने सैंडविच ब्रेड ली है बड़ी वाली, और ये देखें ये है हमारा चिकन पेस्ट जो हमारी फर्स्ट लेयर में लगेगा अच्छे से। इस तरह से हमने पूरे स्लाइस पे लगा लेना है। अब तीन सैंडविचेस के लिए मैंने फर्स्ट लेयर लगा ली है इस तरह से। अब मैं इसकी सेकंड लेयर लगाऊंगी इस तरह। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे मायो अच्छे से पूरे स्लाइस में इस तरह से। ये देखिए मैंने इसमें मायो लगा ली। अब मैं इसका फर्स्ट को कवर कर दूंगी इस तरह से, और अब इसके ऊपर मैं अगेन मायो लगाऊंगी इस तरह। अच्छे से हमने पूरे स्लाइस पे लगा लेनी है। ये देखें हमने अपने थर्ड सैंडविच पे भी इस तरह से मायोनीज लगा दी है सेकंड स्लाइस में। अब हमने इसके ऊपर अपने स्लाइसेस पे हल्का हल्का केचप लगाना है। ये देखें ये तीनों सैंडविचेस पे मैंने ऊपर केचप लगा दी है लाइट लाइट सी। अब मैं इसके ऊपर रखूंगी ऑमलेट। अच्छा ऑमलेट जो है आपने इस तरह से बनाने हैं कि दो अंडे मैंने लिए हैं, दो अंडों से मैंने तीन बनाए हैं। उसमें नमक और हल्का सा रेड चिल्ली पाउडर डाल के आप उसको हल्का हल्के ऑयल में, बिल्कुल लाइट से ऑयल में इसको फ्राई कर लें। और इस तरह से ये आप पहली लेयर आपने लगा दी, एक पे मैंने लगा दी। अब मैं साथ ही दूसरे पे रखूंगी इस तरह, और ये मैं रखूंगी अपना तीसरे पे इस तरह। अब इसके ऊपर हम टमाटर रखेंगे, एक दो तीन, तीन तीन स्लाइसेस हमने तीनों सैंडविचेस में टमाटर के रखने हैं। ये हो गए हमारे तीनों स्लाइस, और उसके ऊपर अब हम रखेंगे खीरा जो हमने इस तरह से स्लाइस करके रखा है, एक दो। ये हो गया हमारा खीरा इस तरह से। अच्छा अब खीरे के बाद हमने इसके ऊपर रखना है चीज स्लाइस, एक एक करके तीनों पे। ये रहा चीज स्लाइस। अच्छा तीनों पे मैंने चीज स्लाइसेस रख लिया। उसके बाद अब मैं स्लाइस पे लगाऊंगी मायो उसको कवर करने के लिए। इस तरह से पूरे स्लाइस पे फिर लगा लेंगे। अच्छा ये लास्ट स्लाइस है जो मैंने मायो लगा दिया, और इसको मैं अच्छे से कवर कर देती हूँ इस तरह। और अब हमने इसको ग्रिल पैन में सेकना है। अच्छा जितनी देर में हमने अपने सैंडविचेस को ग्रिल करना है उतनी देर में मैं फ्राइज भी साथ साथ फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राइज। बिस्मिल्लाह। जितनी देर में फ्राइज होंगे अब हम अपने सैंडविचेस को ग्रिल करते हैं। अच्छा ग्रिल पैन हमारा गरम हो गया, हम उसमें हल्का हल्का बटर लगा रहे हैं ताकि हमारे स्लाइसेस जो हैं वो चिपके नहीं और अच्छे से सिक जाएं। ये मैं रख रही हूँ अपने सैंडविच इस तरह से कुछ। अब एक एक करके हम इसको अच्छे से सेकेंगे फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा ये ऊपर भी हल्का हल्का आप ना बटर से पॉलिश सा कर, कहते हैं ना, कर लीजिएगा ताकि अच्छा सा सिक जाए। तो बस ये मैंने हल्का हल्का ब्रश से ही करा है। अब ये मैं लास्ट अपना कर रही हूँ क्योंकि मैंने नीचे पहले ही बटर हल्का सा लगा दिया, अब इसके ऊपर लगाना है। अच्छा ये देखिए कि हमारा थर्ड वन भी ग्रिल हो गया है। हमने बस इतना ही ग्रिल करना होता है, इससे ज्यादा नहीं। ये बिस्मिल्ला। अब ये सैंडविच को हमने इस तरह से सेंटर से अच्छे से पकड़ के काटना है ताकि आपका सैंडविच नीट भी रहे और अच्छे से कट भी जाए। ये हमारा, ये देखिए इस तरह से कट हो गया। ये देखिए। अच्छा इसको ऊपर से ना टूथपिक लगा ले ताकि आपका ये बाइंड रहे, खुले नहीं। दोनों में मैं इसी तरह लगा दी हूँ, मैंने सबने सब सैंडविचेस में लगा दिए ताकि वो खुले नहीं। तो आई होप आपको हमारी आज की रेसिपी भी बहुत अच्छी लगेगी। ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। ये बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे
आप किसी भी अपनी पार्टी में इसको जरूर ट्राई करिएगा। शाम को टी टाइम स्नैक में यूज करिएगा, जैसा आपको अच्छा लगे। बच्चों को लंच में दें, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो चलें जी, साथ ही अब मैं आपको आज की टिप ऑफ द डे भी बता दूं। ओह नहीं नहीं, पहले मैंने आपको कहना है प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट। इसको बहुत ज्यादा आगे से आगे शेयर करें और हमें बताएं आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है। अच्छा तो चलें, अब मैं अपनी टिप ऑफ द डे दे दूं आपको। अच्छा, बहुत सारे घरों में इस तरह होता है कि कापट खराब हो जाते हैं, चाय गिर जाती है। तो सबसे अच्छी टिप ये है, जब आपके कापट पे अगर चाय गिर जाए तो आप उसमें पाउडर हुआ हुआ नमक डाल दें और उसको खुश्क होने का इंतजार करें। जब वो खुश्क हो जाए तो उसे गीले कपड़े से साफ कर लें तो वो साफ हो जाएगा। आई होप आपको आज की टिप ऑफ द डे अच्छी लगेगी। तो आपसे लेते हैं खुदा हाफिज। तो अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।